गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और ये मेरा न्यू ब्लॉग है, आप देखते रहिए। मैं आज जा रहा हूँ अपने घर और ब्लॉग को देखना। और मैं देहरादून से उत्तरकाशी जा रहा हूँ, उत्तरकाशी से बड़कोट, मतलब बड़कोट पता ही होगा पहाड़ी एरिया में, वहाँ से बढ़ियार जाऊँगा अपने पहाड़ है उसमें गाँव में। तो मिलते हैं आपको इसी ब्लॉग में। गाइस बता आपको कि अंधेरा अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ और मैं अभी जाके विक्रम लूँगा। विक्रम से यहाँ से रेलवे स्टेशन, आपको पता ही है कि यहाँ से आया हूँ और रेलवे स्टेशन पता ही आपको कि वहाँ से मेरी गाड़ी लगती है। बस से जाऊँगा, रोडवेज से या टैक्सी से नहीं, मेरा थोड़ा काम है, कहीं इमरजेंसी काम है तो थोड़ा जल्दी जाऊँगा, थोड़ा रोडवेज से ही जाऊँगा। और मिलते हैं आपको, बताते रहते हैं। अभी पहले विक्रम लेते हैं, विक्रम भी 5 बजे के बाद चलते हैं इधर थोड़ा सा, क्योंकि आजकल अंधेरा है अभी, अब ठंडी भी आने वाली, मतलब जो भी है। ठीक है गाइस, मैं भी घर जा रहा था तो मेरे पास कैश नहीं था, इसलिए मैं एटीएम आया हूँ, क्योंकि उधर साइड नेटवर्क नहीं आते, मैं इसलिए एटीएम आया हूँ। ठीक है गाइस, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, यहाँ कैश भी नहीं था तो मेरी आफत निकल गई है, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा आगे से निकलना। गाइस मैंने भी इसके बाहर आ गया हूँ और यहाँ देखो अभी तक है, अभी तक विक्रम नहीं आया, कोई विक्रम का वो कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, विक्रम ही नहीं आ रहे यार। बहुत सुबह सुबह यही परेशानी रहती है, और मैं तो कैब भी नहीं कर पा रहा हूँ नज़दीक, तो क्या ही 2-2.5 किलोमीटर बहुत है, तो अभी कैब भी नहीं आ रही है यार, अब क्या करूँ। बस इधरे थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, वेट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। गाइस मेरी बस छूट गई है और मैं टैक्सी में जाऊंगा और जाना पड़ रहा है टैक्सी की तरह। वो बस छूट गई, इसलिए छूट गई थी एटीएम में, मतलब इधर एटीएम बंद थे सुबह सुबह, एक सुबह का एटीएम था वहाँ गया, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ से लाया निकाल के। और चलो हम टैक्सी में जाते हैं। गाइस मैं टैक्स स्टैंड में जा रहा हूँ, गया हूँ, पहुँच गया हूँ, मतलब कौन सी गाड़ी मिलेगी।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। उसको डर लगेगा क्योंकि ऐसे रास्ते में देखो किसी जानवर का आधा घंटे का रास्ता या 15-20 मिनट का रास्ता मेरे को मिलेगा वहाँ जाकर देखते हैं।
करते हैं यार। जो है पानी पहाड़ों का पानी ऐसा होता है, पहाड़ों में ऐसे ही पानी चलता है। देखो आप देख सकते हो भाई, पानी लगा रखा है किसी ने, शुद्ध पानी एकदम स्वच्छ पानी है जंगलों में। आप देख सकते हैं ये सामने चौलाई की खेती है, छानी मतलब क्या बोले, छानी ही बोलेंगे हम तो, रहता इधर इधर है मतलब। तो देख सकते हैं ये चौलाई खेती, ऐसे चौली चौलाई की खेती होती है, अब काटने के लिए हो रखा है। गाइस देख सकते हैं आप, वॉइस कितनी अच्छी साउंड आ रही है। गाइस आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है, और मैं बस यहाँ से 10 से 15 मिनट घर पहुँचूंगा, और थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज काम बहुत कराया मैंने, क्योंकि पुलिस के पास भी गया, वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो होता है। देखो गाइस देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं थक गया हूँ और मैंने शर्ट डाल दी है क्योंकि ठंड लग रही थी, तो हवा चल रही, तो मतलब शर्ट डालना चाहिए। अब पहुँचूँगा, बताऊँगा आपको। गाइस और देख सकते हैं सामने और रास्ता है, चलते चलते मेरी आफत निकल गई आज, बैंड बजे, इसलिए बैंड बजे क्योंकि बहुत टाइम बाद चल रहा हूँ पैदल, और क्योंकि पीछे बैग भी है तो साथ में थोड़ा सा चढ़ाई भी है, और पैंट भी पहनी है ना, थोड़ा दिक्कत होती है पैंट में चलने में मेरे को। वैसे लोअर में होता जहाँ तो कंफर्ट लोअर में होता है, पैंट वैसे ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ढीली है, वैसे ठीक ठाक है। हाँ वैसे तो क्या मस्त पहाड़ है, थोड़ा रहा मेरा घर अब यहाँ से लगभग 4 मिनट रास्ता, 4 से 5 मिनट रास्ता, और दिखाता हूँ। गाइस ये सामने वाले गाँव हैं, 3 गाँव, और इधर मेरा गांव है, ये सामने ये देखो झरना, सामने झरना दिख रहा होगा आपको, ये घर ले जा रहे हैं विकास अंकल, इधर घर है इधर वाला, ये अनुप